12:05 हो रहे हैं रात के, आप देख सकते हो, आपको दिख रहा हो गाइस, अभी आपने टाइम देख ही लिया है गाइस, लगभग 12 बजे का टाइम हो रहा है, 12 से भी ज्यादा बज रहा है इस टाइम जो है ना गाइस, सब जगह सो रहे हैं, कोई भी नहीं जग रहा। और गाइस यहाँ पर हम जो है ना एक गेम खेलने वाले गाइस, गेम जो है ना देखो आपने शायद आपको नहीं पता हो या बहुत सोना हो सकता है देखा भी हो इस गेम को। तो गाइस गेम क्या होता है आपको पता है कि ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो सारा सिस्टम होंगे, यहाँ पर ये इस लिख रखा है तरफ दो रूम पे, यहाँ पर ये आप देखो नो लिख रखा है, और गाइस ये पेंसिल ले रखी है हमने, तो पेंसिल देख सकते हो, तो ये दो पेंसिल देख लो, ये दो पेंसिल ले रखी है। तो गाइस अब देखो गेम कैसा होने वाला है। तो गाइस चार्ली के बारे में आपने सुना होगा कि वो एक शैतान थी, भूत थी। अब गाइस उस पर क्या था कि वो जो ना जो चार्ली वाला गेम खेलने वाली, इस गेम में क्या करते हैं देखो आपको पता है, इसमें यानी कि शैतान को बुलाया जाता है, कुछ भूत को जो ना बुलाया जाता है, बुलाया कैसे जाता है देखो, देखो ये तो पेंसिल होती है, इन पेंसिल में हमें कहना पड़ता है कि चार्ली चार्ली आर यू हेयर। तो अब हम उस पर कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, तो दो तीन बार कहने के बाद पेंसिल जो है ना, अगर वो मतलब हमारे पास आती है तो ये पेंसिल जो है ना ऐसा करके येस की तरफ घूम जाएगी, इस तरह से येस की तरफ, और नहीं होती है तो इसकी नोक जो है ना नो की तरफ हो जाती है। तो इसकी इसकी मतलब ये जो पेंसिल की नोक जो है ना वो नो की तरफ हो जाती है। तो बस यही गेम होता है वो चार्ली वाला। तो ये गेम कितना सच है कितना झूठ है, इस गेम को हम अब तक खेलने वाले हैं, और यार इस गेम में कुछ भी हो सकता है मतलब रियल में, कि वो भूत जो है ना रियल में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो पता हमें कुछ नहीं है, हमें देखो कुछ भी हो सकता है सही। और देख लो आप इस टाइम केवल कमरे में दो ही जने, मैं हूँ और एक कैमरा मैन है बस, बाकी कोई भी नहीं है और ना ही किसी को पता है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस टाइम। तो चलो इस गेम को करते हैं बेटा अच्छे शुरू। तो गाइस गेम करने वाले हैं देखो शुरू गेम में, यार गेम जो है ना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होने वाला है, और इस गेम के लिए ना हमने देखो बहुत सारी मतलब क्या रिसर्च करी है, नेट पर रिसर्च करने के बाद देखा कि क्या सच चाहिए। तो रियल में यार इस गेम में जहाँ तक हमें पता है कि ये गेम जो है ना इसी तरीके से खेला जाता है। तो गेम को करते हैं शुरू, देखो मैं कर रहा हूँ अपना गेम स्टार्ट, और आप यार कुछ भी देखो ऐसा नहीं करना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। चलो करते हैं शुरू। तो चार्ली चार्ली आर यू हियर, चार्ली चार्ली आर यू हियर, चार्ली चार्ली आर यू हियर। गाइस अपने देखो ऐसे पेंसिल की यार इन दिख जो ना गाइस, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमने कुछ नहीं करा गाइस, देखो अपने आप ही आप देख सकते हो इसकी पेंसिल की लुक जो ना अपने आप घूम गई गाइस, और इधर भी देखो इस पर नो पाया। तो यार पता नहीं अभी, तो चलो देखो दोबारा से ट्राई करते हैं गाइस यार, लेकिन ये गेम तो काम कर रहा है यार गाइस सच में, कि देखो आपको लग रहा होगा ये कुछ मतलब ऐसा, देखो आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है ना यहाँ पर, तो जैसे ही मैंने कहा दो बार में तो गाइस कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन तीसरी बार में ये पेंसिल अपने आप घूम के गाइस इधर होगी घूम के इधर। तो चलो अब तक फिर देखते हैं ट्राई करते हैं गाइस, देखो मुझे बहुत डर लग रहा है, नहीं आ गया खेलना चाहिए नहीं चाहिए, चलो फिर भी देखते हैं कि सच क्या है रियल में, चलो अभी भी गेम को आगे बढ़ाता हूँ। चार्ली चार्ली आर यू हियर गाइस, अभी तक तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आया इस बार। चार्ली चार्ली आर यू हियर, इसका मतलब गाइस यहाँ पर कुछ सच में कुछ है, क्योंकि देखो इस बार जो ना हमारी पेंसिल आप देख सकते हो यस की तरफ होती है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं हमारे साथ क्या हो, इस गेम को कहीं बीच में नहीं छोड़ सकते इस गेम को, क्योंकि इस गेम का गाइस एक रूल है कि इस गेम को बिल्कुल ही खत्म करना होता है एंड तक, इसे बीच में नहीं छोड़ सकते तुम, अगर यस पे आ गया तो खासकर तब तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यस पे आता तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो है तुम्हारे आस पास होती है कहीं पर, तो अब वो रियल में अगर आस पास में कहीं पर है तो गाइस इसे हम बीच में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें परेशानी हो सकती है उसे, हमें यहाँ से मतलब किसी तरीके से वापस भेजना ही होता, तो हम उसे रिक्वेस्ट करते हैं तब वो वापस जाती है। तो चलो इस गेम को अभी आगे बढ़ाते हैं फिलहाल में। तो गाइस हम देखो कुछ सवाल करते हैं, अगर उन सवालों के हमारे हमारे पास जवाब आते हैं तो हम समझ जाएंगे कि वो यहाँ पर है मौजूद है इस टाइम। तो चलो कुछ सवाल करते हैं, सबसे पहले सवाल करता हूँ, चार्ली चार्ली क्या तुम बुरी आत्मा हो?
बाहर देखो मैंने पास से बुरी आत्मा हो तो इन्होंने मुँह पर एरो लगाया, यानी कि चार भी कोई बुरी आत्मा नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती है। तो चलो आप दोबारा से कर दें कुछ और प्रश्न कर। चार्ली चार्ली क्या तुम किसी को नुकसान पहुंचाती हो? गाइस मैंने दो प्रश्न पूछे, दो में से मुझे एक का जवाब मिला। पहला पूछा मैंने क्या तुम बुरी आत्मा हो, तो उसमें नो आया, मतलब इसका मतलब चार्ली बुरी आत्मा है। दूसरा पूछा क्या तुम किसी को नुकसान पहुंचाती हो, तो उसमें कोई भी जवाब नहीं आया, इसका मतलब कि यार वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती क्योंकि अच्छी आत्मा को नुकसान नहीं पहुँचाती। तो चलो अब देखो कुछ और, अब उनसे कोई प्रतिक्रिया मांगती है कुछ और जैसा अलग मांगने की कोशिश करते हैं, तब देखते हैं कि उनको क्या रिस्पॉन्स आता है, तो मैं समझ जाऊँगा और फिर उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी उनको वापस जाने के लिए। तो गाइस मैं कुछ और प्रश्न करता हूँ। चार्ली चार्ली अगर तुम यहाँ पर हो तो ये वाली कैंडल्स को बुझा कर देता हूँ। गाइस परेशानी होने वाली है क्योंकि देखो मैंने कहा कि अगर तुम यहाँ पर हो तो ये वाली कैंडल्स ले जाकर दिखाओ, ये वाली कैंडल्स आप देख सकते हो बुझ गई है, तो इसका मतलब यार वो यहीं पर कहीं पर है। तो अब जो है ना अब मुझसे वापस जाने के लिए हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी क्योंकि हम प्लीज के हमको नीचे छोड़ कर नहीं जा सकते। ऐसे गाइस ये वाली मोमबत्ती मुझे ना जला लेता हूँ। कुछ और करने की कोशिश करते हैं, इनसे वापस जाने के लिए बोलते हैं ना, तो इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वापस चले जाओ। तो गाइस देखो ये तो यार सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि हमें हिंट मिल चुका है कि वो यहीं पर है, तो गाइस हम रिक्वेस्ट करते हैं इनसे कि वो वापस जाए। तो गाइस देखो यार बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो उसमें, हो सकता है वीडियो बीच में तो नहीं हो सकते कि मैंने बताया था कि हमको बीच में ख़त्म नहीं कर सकते, फिर भी इन्हें वापस भेजने की कोशिश करते हैं। चार्ली चार्ली प्लीज़ गो बैक, मना कर दिए जाने के लिए, यार रिक्वेस्ट करते हैं किसी तरीके से कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश करते हैं क्योंकि मुझे डर लगा। चार्ली चार्ली वी आर अफ्रेड ऑफ यू, प्लीज गो बैक। मैंने सब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर ली और भी मना कर दी है, पता नहीं क्या रीज़न है। देखो उसमें ज़्यादातर इनकी इस बारे गेम में होता क्या है कि रियल में जो है ना वो हाथ हो जाती है, लेकिन वो बहुत आसानी से जैसे इंसान मनाता है उनसे कहता है वापस जाने के लिए तो वो चली जाती है धीरे, लेकिन हमारे साथ कुछ उल्टा ही हो रहा। मैंने पते पहले चली जाओ वापस, अभी देखा अपने के बाद हुआ साथ पता नहीं क्या हुआ, तो हमें भी सही हुआ डर लग रहा, मुझे भी साथ में कैमरा भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा, तो समझ में नहीं आया क्या है। चलो अभी थोड़ा और करके देखते हैं। तो गाइस इनसे रीज़न पूछते हैं वापस नहीं जाने का, यार पता नहीं क्या हो गया। तो चार्ली चार्ली यू आर इरिटेट ऑफ मी, यार हमसे नाराज़ है, इसका कारण पता नहीं क्यों कि ऐसा क्या हुआ कि हमसे नाराज़ है। मैंने तो इनसे हमने तो इनसे जैसा और लोग गेम खेलते हैं वैसे हमने गेम खेला, और जैसे मैंने नेट पे पढ़ा है इस गेम के बारे में बिल्कुल वैसा ही कराया हमने। अब देखो पता नहीं प्रोसीजर क्या है कि हमसे नाराज़ हो गई, इसका रीज़न समझ नहीं आ रहा, लेकिन गाइस इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट पर तो वापस चली जाती है क्योंकि ये एक बुरी डेविल नहीं है, एक अच्छे डेविल माना जाता है इनको। तो अब चलो में गाइस रियल में हमने बहुत ज़्यादा डर है, तो गाइस यार देखो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है रियल में, पता नहीं क्या रीज़न है कि हमसे इतना ज़्यादा नाराज क्यों है, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि गेम को ख़त्म कैसे करें क्योंकि कम से कम गाइस इस गेम को खेलते खेलते हमें आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है।